सुंदरपुर नाम के एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम टुन्नू और बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत ही निपुण थी और इसीलिए टूनी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। कुछ ही दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए टूनी ने मिट्टी के बर्तन बना दिए थे ताकि उन्हें बेचकर वो बच्चों के साथ उमंग व उत्साह से दिवाली का त्योहार मना सके। वो दिन भर दिए बनाती और उसकी बेटी टुनटुनी उसको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदो, सुंदर और सस्ते दिए खरीदो, एक बार देख लो कितने सुंदर और सस्ते दिए हैं। टुनटुनी दिए बेचने के लिए आवाजें लगाए जा रही थी तभी एक चिड़िया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे चिड़िया, मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। आंटी, मैं तो सड़क के किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ, क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे, रुक तुझे अभी बोलना सिखाती हूँ। ये कहकर दुकान की मालकिन मीनू टुनटुनी के सभी दियों को उठाकर एक तरफ फेंक देती है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। टुनटुनी सोचते हुए सभी दियों को उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना सही नहीं होता है आंटी, याद रखना परमात्मा सब देखता है। ये कहते हुए टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतरी उसे चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। इस दुकान की मालकिन ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए हैं। मैं यहाँ बैठकर दिए बेच रही थी, अब मैं क्या करूँगी, माँ को जाकर क्या कहूँगी। चुप हो जाओ बेटी और कहीं जाकर दिए बेच लो, गरीब को सताने में न जाने इन पैसे वालों को क्या मजा मिलता है, गरीब की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। ये कहकर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है और उसके बाद टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। घर आकर टुनटुनी जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है, रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है, मैं तुझे कल नए दिए बनाकर देती हूँ, कल से तू किसी और जगह पर जाकर बेच लेना, भगवान भी न जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं है। टुनटुनी अपनी बेटी को और नए दिए बनाकर दे देती है और वह उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। टुनटुनी पूरे लगन से दिए बेच रही थी लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के दिए ही बिक पाते हैं। आज तो सुबह से शाम हो गई और केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली नहीं मना पाएंगे, इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता है, फिर हम दिवाली कैसे मना पाएंगे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती है। माँ देखो ना, आज तो दिवाली का दिन भी आ गया और दिए तो बिक भी नहीं रहे हैं, इस तरह तो यही लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, तू बेच तो दिए, आज कुछ ज्यादा ही बिक जाए, क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए, तू
था। माँ के समझाने पर टुनटुनी को कुछ हिम्मत मिलती है और वह दिए लेकर घर से निकलने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है और कहता है, दीदी आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे जरूर लाओगी ना? दीदी बोलो ना। क्यों नहीं लाऊंगी, नए कपड़े, मिठाई और थैला भर के पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन टुनटुनी को सारा दिन अपने भाई का चेहरा बार बार याद आता है। उस दिन टुनटुनी दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वह लोगों को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाने लगती है। लोग उसका उत्साह देखकर दिए भी खरीदने लगते हैं। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है, शायद आज मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाए, आज हम उमंग से उत्साह से दिवाली मना पाए। टुनटुनी पूरे उमंग से आवाजें लगाए जा रही थी, तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। टुनटुनी देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया को एक शिकारी चील उठाकर ले जा रहा है। टुनटुनी भागी भागी उसके पीछे जाती है और उस चिड़िया को उस चील से बचाकर ले आती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, सामने वाली दुकान की मालकिन मीनू चिड़िया की बेटी थी। जब मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती है। कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा आ जाता है। उसके बाद मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को दिवाली की सारी शॉपिंग कराती है और उसे छोड़ने उसके घर तक आती है। उसके बाद मीनू चिड़िया का पूरा परिवार टुनटुनी चिड़िया के पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगता है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी थी। बेटी के पालन पोषण के लिए उसके पिता टुन्नू ने दूसरी शादी कर ली। टुनटुनी की सौतेली माँ मीनू के पास भी एक बेटी थी, लेकिन मीनू टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती, लेकिन जब टुन्नू घर पर नहीं होता तो टुनटुनी चल जल्दी से बर्तन माँज, उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। लेकिन माँ कल स्कूल में मेरा टेस्ट है और उसकी तैयारी भी करनी है, नहीं तो टीचर मुझे धूप में खड़ा कर देगी। हाँ हाँ, तुझे तो पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, चल जल्दी से घर का काम निपटा। हाय रे, मेरी सिर की बला कब टलेगी। और हाँ, पापा के सामने कुछ भी कहा ना, तुझे घर से निकाल दूंगी। हाँ जी माँ, मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी छिप छिप कर रोया करती और अपनी माँ को याद किया करती थी। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। दीदी मत रो दीदी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी तुम्हें भी बहुत प्यार करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा चिंकी। छोटी बहन चिंकी टुनटुनी को चुप कराती है और टुनटुनी चुपचाप घर का काम करने लगती है। डर के मारे टुनटुनी अपने पिता से सौतेली माँ मीनू की शिकायत भी नहीं करती। जब शाम को टुन्नू घर आता है, आ गए आप, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस के काम से शहर के जंगल जाना है, तुम मेरा सामान पैक कर दो, कल सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा। पापा आप कहीं मत जाओ। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान हो रही है, जा खाना खाकर सो जा। अगले ही दिन टुन्नू शहर के जंगल चला जाता है। इधर टुनटुनी की माँ तो जैसे इसी घड़ी का इंतजारी कर रही थी। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, सारा दिन तो खाती ही रहती है चुड़ैल कहीं की, कभी काम भी कर लिया कर,
चल जा घर की साफ सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। टुनटुनी चुपचाप एक कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सौतेली बहन चिंकी आती है। कुछ नहीं होगा दीदी, तुम इसे खा लो, माँ अभी सो रही है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं चिंकी, अगर माँ ने देख लिया तो फिर मुझे मारेगी। चिंकी के बहुत ज्यादा जिद करने पर टुनटुनी वो खाना खा लेती है और अपने कमरे में सो जाती है। अगले ही दिन टुन्नू का दोस्त कालू कौआ टुन्नू के घर आता है। जी आप कौन? जी मैं टुन्नू का दोस्त कालू कौआ हूँ। जी टुन्नू जी तो शहर के जंगल गए हैं, बताइए क्या काम है आपको? जी भाभी जी, वो टुन्नू ने मेरे से कुछ रुपए उधार लिए थे, वही लेने आया था। तभी कालू कौवे की नजर घर के अंदर झाड़ू लगा रही टुनटुनी पर पड़ती है। वो उसे बुरी नजर से देखता है। मीनू कालू कौवे के इरादे को भाफ लेती है और कहती है, लगता है आप यहाँ किसी और इरादे से आए हैं। ये लड़की कौन है? ये काम की नकाज की दुश्मन अनाज की है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे ले जा रहे हैं? ये तो लाखों का माल है, इसके लिए तो कुछ देकर ही ले जाना पड़ेगा। उसके बाद मीनू कालू कौवे से टुनटुनी का सौदा कर देती है। माँ मैं नहीं जाऊंगी, माँ प्लीज माँ मैं नहीं जाऊंगी। माँ चल हट चुड़ैल, मेरे सिर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहेगी। टुनटुनी के बहुत ही गिड़गिड़ाने और रोने का मीनू पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी को अपने साथ ले जाता है। कालू कौवे की शहर में बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो टुनटुनी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लेता है और टुनटुनी उसके घर में सारा काम करती है और बदले में उसे बचा कुचा खाने को मिल जाता था। टुनटुनी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। इधर कुछ दिनों बाद जब टुन्नू घर वापिस आता है। अरे मीनू टुनटुनी कहाँ है? टुनटुनी टुनटुनी तो आपके जाते ही घर छोड़ के भाग गई। क्या? नहीं नहीं, टुनटुनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, सड़कों पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आप ऑफिस के काम से गए थे, इसलिए मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। मीनू और टुन्नू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आ जाती है और अपने पिता से कहती है, पापा मम्मी झूठ बोल रही है, वो टुनटुनी दीदी को मम्मी ने बेच दिया है। ये सुनकर टुन्नू आग बबूला हो जाता है। क्या तुमने मेरी बेटी को बेच दिया है? नहीं नहीं चिंकी झूठ बोल रही है। चुप हो जा डायन, मैंने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था टुनटुनी को माँ का प्यार मिल जाएगा। टुन्नू टुनटुनी को मारने लगता है। चुड़ैल जल्दी बता, तूने मेरी बेटी को कहाँ बेचा है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा। इतना सुनकर टुन्नू भागा भागा कालू कौवे के घर जाता है। आपके घर में एक छोटी बच्ची रहती है ना, वो कहाँ है? साहब उसे लेकर मंदिर गए हैं। टुन्नू भागा भागा मंदिर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कालू कौवा पर माला लिए टुनटुनी से शादी की तैयारी कर रहा है। कालू तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बच्ची से शादी करेगा? नीच, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने इसे खरीदा है, अब ये मेरी है। नीच,
तूने जिसे पैसे दिए थे जाकर उसे ही पैसे मांग। इतना कहकर टुन्नू कालू कौए को पुलिस के हवाले कर देता है और अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। निकल जा मेरे घर से तू चुड़ैल कहीं की, तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं नहीं, तुझे तो इस घर से जाना ही होगा। तभी टुनटुनी आकर अपने पापा से कहती है, पापा आप माँ को घर से मत निकालिए, मैं तो बिन माँ के अनाथ हो ही गई हूँ, मैं नहीं चाहती कि चिंकी भी बिना माँ के रहे। देखा, मेरी बच्ची के साथ तूने इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरी बच्ची तुझे ही बचा रही है। उसके बाद मीनू टुनटुनी से माफी मांगती है, टुनटुनी भी अपनी माँ को माफ कर देती है। उसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।